बेमेतरा जिले की थान खबरिया नगर पंचायत की अध्यक्ष अंजना ठाकुर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया है। आपको बता दें कि जिला निर्वाचन अधिकारी की ओर से अविश्वास प्रस्ताव को लेकर मतदान की तिथि तय की गई थी, जिसमें 15 पार्षदों वाली इस नगर पंचायत में 10 कांग्रेस के और 5 भाजपा के पार्षद हैं। अध्यक्ष को कुर्सी बचाने के लिए 5 मतों की आवश्यकता थी, लेकिन अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में 11 और विपक्ष में 4 वोट पड़े। एक भाजपा के पार्षद ने क्रॉस वोटिंग कर दी, जिसके चलते अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया है। नगर पंचायत थानखमरिया में अध्यक्ष के विरुद्ध पार्षद सदस्यों ने अविश्वास प्रस्ताव लाया था। आज जिसका अविश्वास प्रस्ताव 24/8/2022 को कराया जाना था और निर्विघ्न रूप से शांतिपूर्ण मतदान कराया गया और अविश्वास मत 11-4 से पारित। जिस प्रकार भाजपा 90 में 72 सीट छोड़कर सिर्फ 18 सीट में सिमट गई है, हमारी भूपेश सरकार किसानों के लिए प्रदेश के लिए बहुत अच्छा काम कर रही है, उसी का नतीजा है कि नगरवासियों मेरे पार्षदों ने मुझ पर विश्वास जताया। क्षेत्रीय विधायक व माननीय मंत्री रविंद्र चौबे जी की कृपा हमेशा से क्षेत्र पर बनी हुई है और निश्चित रूप से उन्होंने आश्वासन दिया है कि क्षेत्र में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं होगी, अच्छे से अच्छा विकास हमारे क्षेत्र का साझा विधानसभा और नगर पंचायत थानखमरिया का होगा।